हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी प्राइमर सब्जेक्ट. सो लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 20. पार्ट प्लीज मोर द पीकॉक. द पीकॉक मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है. मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है. मोर सबसे सुंदर पक्षी है. मोर सबसे सुंदर पक्षी है. मोर के पंख रंग बिरंगी होते हैं. मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं. मोर के सिर पर कलंगी होती है. मोर के सिर पर कलंकी होती है. मोर बादलों को देखकर खुश होता है. मोर बादलों को देखकर खुश होता है. मोर खुश होने पर नाचता है. मोर खुश होने पर नाचता है. मोर पंख फैलाकर कला दिखाता है. मोर पंख फैलाकर कला दिखाता है. मोर पीहू पीहू आवाज करता है. मोर पीहू पीहू आवाज करता है. मोर सब लोगों को प्रिय लगता है. मोर सब लोगों को प्रिय लगता है. मोर का शरीर भारी होता है. मोर का शरीर भारी होता है. मोर बहुत ऊंचे तक उड़ नहीं सकता. मोर बहुत ऊंचे तक उड़ नहीं सकता. आपने देखा है ना, ये मोर दिखाया है, वो अपना राष्ट्रीय पक्षी है. अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर है. और मोर सब पक्षियों में सबसे सुंदर दिखता है. सब पक्षियों में मोर सबसे सुंदर दिखता है. मोर के पंख देखो रंग बिरंगी होते हैं. देख रहे हो आप पिक्चर में कि मोर के पंख रंग बिरंगी होते हैं. मोर के सिर पर कलंकी होती है. ये कलंकी दिख रही है आपको. ये मोर के सिर पर कलंकी होती है. मोर जब भी बारिश आता है, आने के टाइम पे बादल आते हैं, तो वो उसको देख के बहुत खुश होता है. बादलों को देख के मोर एकदम खुश हो जाता है और खुशी से मारे वो नाचने लगता है. बादलों को देखकर खुश होके मोर नाचने लगता है और अपने पंख फैला के वो घूमता है. ऐसे कला दिखाता है अपनी. देखो आप देख रहे हो मोर के पंख फैलाए हुए है. जब भी बारिश की सीजन होती है, बादल होते हैं, तभी मोर को बहुत अच्छा लगता है. और फिर वो क्या करता है, अपने पंख को फैलाता है पूरे और फिर वो डांस करता है. और अपनी आवाज में वो पीहू पीहू ऐसी आवाज करता है. और वो सबको सुन अच्छा लगता है सुनना उसकी आवाज. पीहू पीहू आवाज करता है मोर, तो भी बहुत अच्छा लगता है अपने को सुनने के लिए. और मोर सब लोगों को प्रिय लगता है. आप देखना कहीं गए हो और आपको रास्ते में कहीं पे आप गांव में जाते हो तो मोर ज्यादा दिखाई देता है. तो हम जाते हैं तो देखते हैं, मोर को देख के हम खुश हो जाते हैं. मोर का शरीर भारी होता है. देखो आप देख रहे हो मोर का शरीर भारी होता है. तो जैसे आप कौवा देखो, बहुत जैसे बैट होता है, वो सब दूर तक उड़ते हैं, ऊपर तक जाते हैं. लेकिन मोर है वो सब ऊंचाई तक ज्यादा नहीं उड़ सकता क्योंकि उसका शरीर भारी होता है. उसकी वजह से वो उड़ता है लेकिन ऊंचाई तक नहीं जाता. वो थोड़ी थोड़ी नजीक दूर यानी नीचे ही उड़ता है. बहुत ऊंचाई तक वो उड़ नहीं पाता. और आप देखना जंगलों में तो बहुत सारे मोर दिखते हैं और उसको देख के बहुत खुशी होती है. अपने को देखने का मन करता है. मोर को देखते ही रहे ऐसे अपने को मन होता है. अभी देखो एक बार फिर से रीडिंग कर रहे हैं मोर के लिए. मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है. मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है.
मोर सबसे सुंदर पक्षी है। मोर सबसे सुंदर पक्षी है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर के पंख रंग बिरंगी होते हैं। मोर के सिर पर कलंकी होती है। मोर के सिर पर कलंकी होती है। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। मोर खुश होने पर नाचता है। मोर खुश होने पर नाचता है। मोर पंख फैलाकर कला दिखाता है। मोर पंख फैलाकर कला दिखाता है। मोर पीहू पीहू आवाज करता है। मोर पीहू पीहू आवाज करता है। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। मोर का शरीर भारी होता है। मोर का शरीर भारी होता है। मोर बहुत ऊंचे तक उड़ नहीं सकता। मोर बहुत ऊंचे तक उड़ नहीं सकता। अब इसमें हम देखो थोड़े वर्ड्स भी है। ये क्या लिखा है? भारत। मोर भारत लिखा है। मोर लिखा है, ये भारत है, ये राष्ट्रीय है, ये पक्षी। मोर भारत राष्ट्रीय पक्षी। सुंदर, सुंदर लिखा हुआ है। पंख, पंख है, पंख। पंख रंग बिरंगे। पंख रंग बिरंगे। ये सिर लिखी है। सिर, सिर कलंगी, कलंगी। और ये सिर लिखा है। ये बादलों, बादलों। और ये है खुश, खुश, खुश। इसमें लिखा है नाचता, नाचता। पंख, पंख। कला, कला यानी कला का मीनिंग होता है जो पंख फैला के वो कला दिखाता है, उसकी जादुई दिखाता है वो कला। पीहू पीहू, ये पीहू पीहू लिखी है क्योंकि उसकी आवाज है वो पीहू पीहू है। पीहू पीहू। और ये आवाज है, आवाज। में प्रिय यानी सबका प्रिय, पसंदगी, अपने को अच्छा लगता है वो प्रिय। शरीर, शरीर, शरीर। वीर बहुत, उड़ बहुत, उड़। ऐसे वर्ड्स थोड़े थोड़े अपने को रीड करने हैं। अभी इसमें अपने को दिया है स्वाध्याय एक्सरसाइज, एक्सरसाइज दी है अपने को, वो देखनी है। वन नंबर है कोष्टक से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो। अभी आपको वो वाक्य दिए हुए हैं, उसको हम कोष्टक से यानी कोष्टक के अंदर इसमें अपने को शब्द यानी वर्ड्स दिए हैं, उसको अपने को सही वर्ड्स को चुन के अपने को लिखना है, पूरा सेंटेंस को कंप्लीट करना है। कोष्टक से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो। कोष्टक से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो। कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट वर्ड इवन इन द ब्रैकेट्स। कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में से अपने को लिखना है और उसको कंप्लीट करना है अपने को। वन नंबर है मोर भारत का खरजगिया पक्षी है। सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। राष्ट्रीय है कि प्रादेशिक है? मोर भारत का खरजगिया पक्षी है। राष्ट्रीय है कि प्रादेशिक है? तो अपने को इसमें लेसन में दिया है मोर भारत का राष्ट्रीय दिखाया। इसमें देखो आप राष्ट्रीय दिख रहा है तो हम राष्ट्रीय लिखेंगे। मोर भारत का राष्ट्रीय। रनिकानो रा आदर्श टी गई और य राष्ट्रीय। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है।
अभी 2 नंबर्स में लिखा है, उसमें मोर के सिर पर खलजिया होती है, मोर के सिर पर खलजिया होती है, क्या होती है? इसमें दिखा है कलंगी, कलंगी और पगड़ी, पगड़ी। तो अपने लेसन में क्या दिया है, मोर के सिर पर कलंगी, कलंगी होती है। तो इसमें से कलंगी लिखेंगे, मोर के सिर पर कलंगी, कलंगी होती है, मोर के सिर पर कलंगी होती है। 3 नंबर, मोर के पंख खजिया होते हैं, मोर के पंख खजिया होते हैं, काले के रंग बिरंगी। इसमें अपने को दिया है कि मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। तो इसमें लिखा है रंग बिरंगे, इसमें लिखेंगे रंग बी रंग गे, रंग बिरंगे। अभी 4 नंबर में है, मोर खालजिगिया को देखकर खुश होता है, मोर खालजिगिया को देखकर खुश होता है। किसको देख के खुश होता है? मोर पर्वतों को, एक बादलों को। मोर किसको देख के खुश होता है? पर्वतों के बादलों। तो अपने को इसमें से देखना है कि मोर, मैंने पहले आपको समझाया मोर किसको देख के खुश होता है, तो मोर इसमें लिखा हुआ है देखो, बादलों को देखकर खुश होता है, मोर बादलों लिखा है ना, बादलों। जैसे मैंने आपको बताया था कि बादल होते हैं बारिश के सीजन में, तो मोर देख के खुश होता है और वो नाचने लगता है खुश होने पर। तो बादलों बने कानो बा द लो, बादलों। एक बार फिर से कंप्लीट सेंटेंस हम रीड करेंगे। 1 नंबर, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आपको कोष्टक में दिया है राष्ट्रीय या प्रादेशिक, तो अपने को राष्ट्रीय पक्षी है तो राष्ट्रीय लिखना है। फिर 2 नंबर में, मोर के शीर पर कलंकी होती है, उसमें कलंकी और पगड़ी लिखी है, तो मोर के सिर पर कलंगी होती है, कलंगी होती है। फिर है मोर के पंख रंग बिरंगी होते हैं, मोर के पंख रंग बिरंगी होते हैं। 4 नंबर, मोर बादलों को देखकर खुश होता है, मोर बादलों को देखकर खुश होता है। 2 नंबर में, सही कथन के सामने राइट का चिन्ह और गलत कथन के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाओ। सही कथन के सामने राइट का चिन्ह और गलत कथन के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाओ। टिक राइट अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग सेंटेंस। टिक राइट अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस रॉन्ग अगेंस्ट द रॉन्ग सेंटेंस। यानी जो राइट है उसमें राइट करना है और जो रॉन्ग है उसमें हम रॉन्ग करेंगे। 1 नंबर में दिया है, मोर सबसे सुंदर पक्षी है, मोर सबसे सुंदर पक्षी है। राइट है कि रॉन्ग है? तो राइट है, क्योंकि मोर सबसे सुंदर पक्षी है, तो राइट करेंगे उसमें हम। 2 नंबर में दिया है, मोर काऊ काऊ करता है, मोर काऊ काऊ करता है, तो रॉन्ग है। काऊ काऊ कौन करता है? तो काऊ काऊ कौवा करता है, कौवा करता है ना, तो मोर काऊ काऊ करता है तो रॉन्ग है। मोर तो क्या करता है? पीयू पीयू करता है, काऊ काऊ नहीं करता, तो मोर काऊ काऊ करता है तो रॉन्ग है, क्रॉस करेंगे। 3 नंबर में, मोर सब लोगों को प्रिय लगता है,
मोर सब लोगों को प्रिय रखता है, राइट है, क्योंकि मोर को देख के सब लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि मोर बहुत अच्छा दिखने में लिखता है, तो सबको मोर को देख को खुशी होती है, तो मोर सबसे सब लोगों को प्रिय लगता है, राइट। फोर नंबर, मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज करता है, मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज करता है, तो राइट है, मोर की आवाज कैसी होती है, पीहू पीहू ऐसे वो बोलता है, तो मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज करता है, तो राइट है। देख, आप लोग देख रहे हो मोर के बारे में कि मोर राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर सबसे सुंदर पक्षी है। अभी मोर के पंख कैसे होते हैं, काले होते हैं के रंग बिरंगी होते हैं, तो रंग बिरंगी होते हैं। फिर मोर के सिर पर क्या होता है, कलंगी होती है कि पगड़ी, तो कलंकी होती है। मोर किसको देख के खुश होता है, बादलों के पहाड़ों को, तो मोर बादलों को देख के खुश हो जाता है। मोर खुश होने पे क्या करता है, मोर खुश होने पे क्या करता है, तो मोर खुश होने पर नाचता है, मोर खुश होने पर नाचता है। मोर पंख फैलाकर क्या दिखाता है, मोर पंख फैलाकर क्या दिखाता है, तो मोर पंख फैलाकर अपनी कला दिखाता है, मोर पंख फैलाकर अपनी कला दिखाता है। मोर की आवाज कैसी होती है, मोर की आवाज कैसी होती है, मोर बोलता है तो उसकी आवाज कैसी होती है, मोर की आवाज पीहू पीहू होती है, आवाज करता है पीहू पीहू। मोर सब लोगों को कैसा लगता है, मोर सब लोगों को कैसा लगता है, तो मोर सब लोगों को प्रिय लगता है, मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। मोर बहुत ऊंचे तक नहीं उड़ पाता है, क्यों नहीं उड़ पाता, मोर बहुत ऊंचे तक नहीं उड़ पाता, क्यों, क्योंकि मोर का शरीर भारी होता है, तो वो उसका भारी सर की वजह से वो ऊंचे तक नहीं उड़ पाता। अभी एक बार हम एक्सरसाइज देखेंगे, देखो देख लो वन टाइम, हम फिर से कोष्टक से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो। कंप्लीट द सेंटेंस विच करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। वन, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। टू नंबर, मोर के सिर पर कलंकी होती है, मोर के सिर पर कलंकी होती है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं, मोर के पंख रंग बिरंगी होते हैं। मोर बादलों को देखकर खुश होता है, मोर बादलों को देखकर खुश होता है। अब इसमें दिया है सही कथन के सामने राइट का चिन्ह और गलत कथन के सामने रॉन्ग का चिन्ह बनाओ। सही कथन के सामने राइट का चिन्ह और गलत कथन के सामने रॉन्ग का चिन्ह बनाओ। टिक राइट अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग सेंटेंस। बी वन नंबर में दिखाया है इसमें, मोर सबसे सुंदर पक्षी है, मोर सबसे सुंदर पक्षी है, राइट, मोर सबसे सुंदर पक्षी है, राइट। टू नंबर, मोर काऊ काऊ करता है, मोर काऊ काऊ करता है। रॉन्ग। थ्री नंबर, मोर सब लोगों को प्रिय लगता है, मोर सब लोगों को
प्रिय लगता है। राइट, मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज करता है। राइट, मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज करता है। राइट, समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।